तो आप 2020 खेलेंगे आपके साथ हमेशा की तरह। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगा कि जवाब नहीं दे पा रही है, नहीं देना चाह रहे हनान, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक ठीक है, तो पहले कौन खेलना चाहेगा आप में से? मैडम आपको आगे कर दिया। जी सभा जी, ये बताइए इन लोगों की जिंदगी पे बायोग्राफिकल फिल्म बनी है, किसकी फिल्म देखना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो है जिनके ऊपर बायोग्राफिकल फिल्म्स बनी हैं, उनमें हैं मियां नवाज शरीफ और जनाब शेख रशीद। मतलब मैं टाइम आउट नहीं ले सकती कि मैंने दोनों ही नहीं देखनी? ऐसा नहीं हो सकता। जनरल नॉलेज पे जा सकती है। नहीं, मेरा मतलब है ये चॉइस ही नहीं है, मुझे देखनी ही देखनी है। हाँ। तो मियां साहब की फिल्म, मियां साहब की बायोग्राफिकल फिल्म देख लेंगी। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई है आप, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मरीना खान, सबा फैसल और अतीक ओडो। तो सेल्फी किसके साथ है? हम चारों एक सेल्फी में आ जाएंगे। मगर तीनों मेरी इतनी अच्छी दोस्त हैं। ओके ओके, तो स्माइल किनको देंगी? मरीना को। मरीना को स्माइल दे दी हमने। और आप आखिर में फ्लोर किसका आ गया? मैं आप पे ही उतर जाऊंगी। नहीं, वो तो आप उतरेंगी, अपने साथ किसको लेके उतरेंगी? अच्छा, मेरे साथ कौन आएगा? सबा। सबा फैसल का फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, ये बताइए चांद पे जा रही है, किसी को साथ लेके जा सकती है? जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है जी, हाय हाय। तो किसको? तो बहुत लंबी लिस्ट है, फिर एक ही बंदा। मैं आपको फिलहाल सिर्फ दो के ऑप्शन दूंगा, इनमें से किसको चांद पे छोड़ना चाहेंगी आप अपने साथ एक बार ले जाकर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरहान सईद भट्ट या फिर अहमद अली भट्ट। अहमद भट्ट को छोड़ा जा सकता है। अहमद भट्ट को चांद पे छोड़ा जा सकता है। ठीक है, मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज आपके फोन में फीड कर दी जाएगी। So basically, जब आप रोज सुबह उठेंगे उस अलार्म के साथ, वो आवाज आपको उठाएगी। अच्छा, किसकी आवाज सुनना चाहेंगी आप सुबह उठने के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राणा सनाउल्लाह और फयाज़ुल हसन चौहान। राणा साहब की आवाज, आई विल बी ओके विद दैट। राणा साहब की आवाज के साथ बिल्कुल ठीक है, राणा साहब की आवाज ना आजकल सारे उठ पे रहे। नहीं, वो अच्छे लगते हैं मुझे। ओए होए होए, अच्छी बात करते हैं मेरे ख्याल में। ओहो, ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब तौकीर नासिर और जनाब सुहेल अहमद। सुहेल साहब। सुहेल साहब जाएंगे टाइटैनिक के ऊपर। ठीक है, ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा रुबीना अशरफ और मोहतरमा बुशरा अंसारी। मैं अपनी भी दे दूंगी, दोनों बच जाएं। मैं डूब जाऊं और नहीं, उनमें से किसी को नहीं डर सकती। आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही जवाब है। मैंने दे दिया ना, मैं आपके ऑप्शन चेंज कर देता हूं। नहीं नहीं, क्यों ऑप्शन? मैं डूब के तो किसी को भी नहीं मारूंगी ना, अपनी ही जैकेट दूंगी। और ऐसे करना चाहिए नहीं, आप लोगों का क्या ख्याल है? चिपकाई हुई है वो नहीं उतर सकती, आपको एक देनी है। चले अब ये देखिए, मैं चेंज करता हूँ ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं नदीम बेग और खलील रहमान कमर। तो मैंने जैकेट किसको देनी है? जी ऑब्वियसली नदीम को। अच्छा, आप नहीं डूब रहा सारे? जी ठीक है, हनान भाई आपकी बारी है। आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास है मायरा खान और महविश हयात। मायरा खान। मायरा खान, ये बताइए मेरे दोस्त, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राणा सनाउल्लाह, वहाब रियाज साहब और शहबाज सीनियर साहब। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? जी शहबाज सीनियर के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? राणा साहब। और फ्लोर आ चुका हुआ है वहाब भाई का। वहाब भाई नहीं, मैं खुद चले जाऊंगा, कहूंगा आप। नहीं आप नहीं जाएंगे, वहाब साहब ही जाएंगे। वहाब रियाज साहब फ्लोर आ गया है पूरे शो में तारीफ करने के बाद उनको। ये बताएं टाइटैनिक पे जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना साहब को। मौलाना साहब को लेके जाएंगे। चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जाना है, जिसको लेके जाना है उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्त आप वापस आ रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं आपके कोच दानिश कलीम और राणा अब्दुल वहीद कैप्टन। ये कैसा सवाल है? जैसा उनको पूछा था। नहीं वो तो फिर अब कोच हैं तो राणा को कहूंगा चल तू रुक जा, तू चांद पे रह, कोई बात नहीं। राणा साहब चांद पे, ठीक है राणा अब्दुल वहीद साहब आप जाएंगे चांद पे। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है दूसरी आपने किसी और को देनी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कैसर पिया
और आयशा डोगर मैनू दे दियो, मैं मोटरसाइकिल ते घर छड़ के आवां। कैसे लिया दाद? कैसे पक्का है? हां जी, वो मोटरसाइकिल पे छोड़ेगा ना? दिल से कह रहे हैं। नहीं, उनके पास गाड़ी है वैसे। नहीं, कैसर भाई के साथ। हाँ जी, कैसर भाई अगर आज उनके घर वाले शो ना देख रहे होते तो फिर मैं आपको बताता कि उनका जवाब क्या होना था। नहीं नहीं, जवाब यही होना था। मगर सर जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।